विद्यार्थी है जो कि 20% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी है 32% अंक प्राप्त करता है और 84 अंक अधिक लाता है, आवश्यक अंक यानी जो पासिंग मार्क्स है उसे 84 अधिक ला रहा है। तो बताइए कि कुल अंक कितने थे, कुल अंक क्या होते हैं, 100% होते हैं, आपको बताया। तो देखिए सबसे पहले 20% और क्या है 32% है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 12% है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि अंक घट बढ़ रहे हैं ना, तो कितने भैया 60 तो कम ला रहा है तभी तो फेल हो रहा है, और 84 वो फालतू ला रहा है, दूसरा बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आ रहा है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये कम है वो ज्यादा है, आपस में जुड़ गए, कितना हो गया 60 और 84, ये हो गया आपका 144। तो ये जो 12% का डिफरेंस है वो 144 के बराबर है, आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां से 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 का 12 लग जाएगा, कितना हो जाएगा 12, तो 100% यानी कि कुल अंक कितने हैं आपके 1200 है। तो जो प्रारंभ में अंक थे यानी टोटल पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क्स जो कितने हैं 1200 है। इस तरह के मजेदार वीडियोस के लिए आपके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, थैंक यू सो मच।